कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की ओर से आमचो बस्तर नाटक हुआ मंचन। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा बस्तर आर्ट गैलरी जगदलपुर में आमचो बस्तर बस्तर के जंगल लोक जीवन और लोक कथा पर आधारित नाटक का आयोजन किया गया। नाटक का निर्देशन विख्यात नाट्य रंग निदेशक राजकमल नायक द्वारा किया गया। इस नाट्य मंचन में बस्तर के जंगल लोक जीवन यहाँ की संस्कृति और लोक कथा को नाटक के रूप में प्रदर्शित की गई। इस आयोजन से बस्तर की संस्कृति और यहाँ की प्रकृति को जन जन तक पहुँचाने के लिए यह प्रयास हुआ है। इस नाटक को तैयार करने के लिए राजकमल नायक द्वारा जगदलपुर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के सौजन्य से 15 दिवस की कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 30 से अधिक स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षण दिया गया। अंतिम रूप से आमचो बस्तर नाटक तैयार हुई। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में शरद कुमार सिन्हा बस्तर पुलिस अधीक्षक, उदित पुष्कर नगर पुलिस अधीक्षक, अभिनव कुमार प्रशिक्षु IPS, MA रहीम, निर्मल सिंह राजपूत, संजय त्रिवेदी, शरद चंद्र गौड़, सुश्री उर्मिला आचार्य, बालवीर कच्छ, खेम वैष्णव, अनिल लुकड़, किशोर पारेख, GS मनमोहन और विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। पार्क निदेशक धमशील गढ़वी ने बताया कि वन मंत्री के निर्देशानुसार बस्तर का लोक जीवन तथा बस्तर के आदिवासी समुदाय कैसे जंगलों में गहरा संबंध रखते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, ये सारा चीज नाटक के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। नाट्य आमचो बस्तर मूल रूप से पारंपरिक लोक कथा से लिया गया, जिसमें निर्देशन और परिकल्पना राजकमल नायक द्वारा की गई थी। मंच पर सहयोग गुजराल सिंह बघेल, युगल जोशी, सुमन भास्कर और वन विभाग के कर्मचारी उपस्थित होकर कर रहे थे। मंच का संचालन अब प्रीतम झा और GS मनमोहन द्वारा किया गया।